नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी आयुर्वेदिक में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जल जमनी का फायदा बताऊंगा। दोस्तों, ये जो वनस्पति आप देख रहे हैं, ये जो पत्ती आप देख रहे हैं, इस पत्ती का नाम जल जमनी है। इसे जल जमनी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पानी को जमा देता है, इसलिए इसे जल जमनी कहा जाता है। यह एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी का बेलनुमा पौधा है। ये देखिए, ये किसी पेड़ या झाड़ के सहारे ऊपर चढ़ता है। यहाँ तो कोई झाड़ नहीं है, इसलिए यह जमीन पर ही फैला हुआ है, पहचान लीजिए। इसलिए इसे मराठी में वासन बेल कहते हैं और उर्दू, फारसी, पंजाबी में फरीद बूटी के नाम से लोग जानते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये देखो बेल में, ये देखिए बेलनुमा पौधा, ये है जल जमनी। इस समय पेड़ पे चढ़ा हुआ मिला तो मैंने सोचा इसे भी दिखा दूँ। तो दोस्तों, गुजराती में इसे बेवड़ी कहा जाता है और वनस्पति नाम इसका कोकुलस हिरसूट्स, और अंग्रेजी में इसे ब्रूम क्रीपर कहते हैं। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए। अब मैं इसके फायदे के बारे में आपको बताता हूँ कि यह वनस्पति किस किस बीमारी में उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, मैं इसके उपयोग के बारे में आपको बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए किसी स्त्री को लिकोरिया है, परदल रोग है, सफ़ेद पानी की शिकायत है, तो उस बीमारी में इसका उपयोग किया जाए तो बहुत ही अच्छा जड़ी बूटी वनस्पति औषधि साबित होता है। करना क्या है, इस पत्ते को इस तरह से तोड़कर इसे मिक्सर में पीस कर इसका रस निकाल लीजिए, करीबन 20 ग्राम 20 ग्राम रस निकाल लीजिए और 1 कप पानी में मिलाकर उसे पीने के लिए दीजिए, तो सफ़ेद प्रदल रोग बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, इसका फ़ायदा और मैं आपको बता रहा हूँ, इस वनस्पति के अंदर एंटी माइक्रोबियल नाम का गुण मिलता है, ऑयल केमिकल, जिसके वजह से यह पेट के लिए भी फायदेमंद है। इसका तासीर जो है बहुत ही शीतल है, ठंडा है, तो ठंडा होने के कारण यह पेट के समस्त बीमारियों को कंट्रोल करता है, ठीक करता है। आँत में सूजन हो उस पर भी काम करता है। और यह ठंडा होने की वजह से, जैसे किसी भाई पुरुष को धातु की शिकायत है, धातु रोग है, तो उसमें भी इसका करीबन 20 से 25 ml तक इस्तेमाल किया जाता है रस। तो दोस्तों, और भी इस वनस्पति का फायदा है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे किसी माता बहनों को महीना ज़्यादा जा रहा है, 2-3 दिन से ज़्यादा 10-10 दिन तक जाता है, बहुत ज़्यादा शरीर खून जा रहा है, तो उसके लिए भी आयुर्वेदिक ये वनस्पति उपयोग किया जा सकता है। उस पर भी यह पत्ती का रस निकाल कर करीबन 20 से 25 ml तक पिलाने से फ़ायदा होता है। और दोस्तों, यह पेशाब के जलन में भी उपयोगी है, इसे पेशाब के जलन में भी उपयोग किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये जो मैं आपको वनस्पति दिखा रहा हूँ, ये तो हरा है। अगर मान लो आपको ऐसा हरा हरा मिलता है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर हरा नहीं मिलता है, कहीं मिल जाता है, तो आप इसके पत्ते को तोड़कर, छाल को तोड़कर, ये देखिए इसका ये पत्ता है और ये बेल है, ये लकड़ी, ये सब को तोड़कर, ये थोड़ा बहुत ही मजबूत है, तो ये सब को तोड़कर टुकड़ा टुकड़ा करके, तो इसे सुखा कर डब्बे में रख लीजिए पीस कर पाउडर बनाकर, तो आप इसका 5 से 10 ग्राम पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बीमारी मैंने बताया, धातु रोग, लिकोरिया, सुकीटाणु कमी, और जैसे बहुत से ऐसे जो भी पेशाब की बीमारी, उसमें आप उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह बहुत ही आयुर्वेदिक औषधि गुणकारी है, शीतल है, ठंडा है। ये देखिए जड़ है, ये तो वनस्पति है, ये जल जमनी का जड़ है।
इस जड़ को भी पानी में घिस कर अगर जैसे मान लो किसी तरह कोई जहरीला कीटाणु काट लिया है तो इस जड़ को पानी में घिस कर उस जगह पर लगाने से जहर का असर धीरे धीरे कम होने लगता है। और हाँ दोस्तों, अगर सांप किसी को काट लिया है तो इसके जड़ और इसके पत्ती का चूर्ण बनाकर जहर काटे सांप काटे हुए इंसान को अगर पिलाया जाएगा तो इससे उल्टी होगा और उल्टी होने के कारण उसके शरीर के अंदर के जो विष है वो बाहर निकल जाएगा उल्टी के माध्यम से। तो देख लीजिए, पहचान लीजिए। और दोस्तों, जब यह जल जमनी का पत्ता पक जाता है तो इस तरह रंग लाता है, देखिए पकने के बाद। इसको नहीं इस्तेमाल करना है कभी भी, यह फायदा नहीं पहुंचाएगा। आपको ऐसा हरा हरा पत्ता इस्तेमाल करना है। और हाँ दोस्तों, कन्नड़ में इसे दागड़ी कहते हैं। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, इसके पत्ते का रस 10 से 20 मिलीग्राम की मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है। और अगर इसी पत्ते को सुखाकर चूर्ण बना लेते हैं तो 5 से 10 ग्राम की मात्रा में इस्तेमाल किया जाता है पानी के साथ में। और भी बीमारी होते हैं जिसमें काढ़ा भी बनाकर पिया जाता है, मैं वो आपको दूसरे वीडियो में बताऊँगा, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है। तो दोस्तों, हमारे पास जो महत्वपूर्ण जानकारी थी आपको हमने बता दिया। अगर मेरी जानकारी आपको पसंद आई हो तो दोस्तों मेरे चैनल पहाड़ी आयुर्वेदिक को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो नमस्कार, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।